नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रोमिस गुरु अंडाली में। लेकर आया हूँ आपके लिए मैं सबसे बड़ी खुशखबरी जो आपको पूरे साल भर इंतज़ार था जिस पल का, यानी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम का। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स कब से कब तक होने वाले हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम का डेट शीट आ चुका है। आज आपका बोर्ड एग्ज़ाम 1 से लेकर 26 तारीख तक चलने वाला है, जो कि मैं आपको आपके सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ। दोस्तों देखते रहिए मेरे इस वीडियोस को, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 12th और क्लास 10th के पूरे जानकारी मिले आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लास 12th की कॉमर्स स्टूडेंट की स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले आपके लिए 1 तारीख से आपका पेपर शुरू हो रहा है। 1 तारीख को आपकी फ्राइडे को आपका पेपर है। पहला पेपर है हिंदी, आर्ट्स साइड वालों का भी हिंदी है, साइंस जो कि कॉमन है सबका हिंदी पेपर होता है। नेक्स्ट 5 तारीख को जो कि आपका जो पेपर है, 5 तारीख को महाशिवरात्रि की महान पर्व के भारत बहुत बड़ा पर्व महाशिवरात्रि के पास का होने वाला है। ट्यूजडे को कॉमर्स वालों का पहला सेकंड पेपर होगा अकाउंट, 5 तारीख को आर्ट्स साइड वालों का पॉलिटिकल साइंस और साइंस वालों के लिए फिजिक्स है। उसके बाद 6 तारीख को बुधवार के दिन ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर होना है आर्ट्स साइड वालों के लिए, और कॉमर्स और साइंस वालों की छुट्टी है। 7 तारीख को कंप्यूटर साइंस बेसिकली साइंस और कॉमर्स वालों के लिए होता है, कॉमर्स वाले सबसे ज़्यादा लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का पेपर है। 8 तारीख को है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर आर्ट्स साइड वालों के लिए। 9 तारीख को है बायोलॉजी। 12 तारीख को कॉमर्स एंड आर्ट वालों के लिए कम्बाइंड पेपर है इकोनॉमिक्स का। 13 यानी कि बुधवार को मैथ्स का पेपर है साइंस साइड वालों के लिए। 14 तारीख को होम साइंस का पेपर है गर्ल्स के लिए। 16 तारीख को है कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस स्टडीज़ का पेपर, आर्ट्स साइड वालों के लिए हिंदी है और साइंस वाले साइड वालों के लिए केमिस्ट्री है। उसके बाद 19 को है पेपर, सबका सेम पेपर है इंग्लिश का मंगलवार के दिन। 23 तारीख को है संस्कृत का पेपर। 25 तारीख को एजुकेशन और 26 तारीख को लास्ट पेपर है आर्ट्स साइड वालों के लिए सोशोलॉजी। सबसे बड़ी खुशखबरी है कॉमर्स और साइंस साइड वालों के लिए, जिनका पेपर 19 तारीख को ही ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि वो लोग 19 तारीख के पेपर देने के बाद होली बड़े मज़े से मना सकते हैं। 20 और 21 तारीख की होली है, महान पर्व है, इस तारीख को वो लोग आशा बहुत ही खुशमय तरीके पेपर ख़त्म होने के बाद अपने इजीली बहुत ही सुंदर तरीके से मना सकते हैं। तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ, तैयार करते रहिए। आपके पास अब 1 महीने के 2 महीने से भी कम वक्त बचा हुआ है, जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। इसलिए आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा शुभकामनाएं। अब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम्स डेट शीट 10th क्लास के लिए। 10th क्लास की डेट शीट कुछ इस तरह कैसे हैं। उनका पेपर जो है 2 तारीख को शुरू होने वाला है। पहला पेपर शनिवार के दिन हिंदी का, शनिवार के दिन महाशनि के आशीर्वाद से उनका पेपर शुरू होगा। पहला पेपर हिंदी का 6 तारीख को पहला पेपर, सेकेंड पेपर है होम साइंस, 7 तारीख को मैथ्स, 11 तारीख को है साइंस, 14 तारीख को है इंग्लिश एंड और 15 तारीख को है शुक्रवार आर्ट रैन की जिसको हिंदी में बोलते हैं रंजन कला का पेपर, 18 तारीख को है SST और 25 तारीख को संस्कृत का पेपर है। तो आपका इनका पेपर जिनके पास संस्कृत नहीं है उनका पेपर जो है 18 तारीख को फिर ख़त्म होने वाला है। 18 तारीख यानी कि इनका ही पेपर होली से होली कहीं ना कहीं होली से पहले शुरू हो रहा है। जिसके पास संस्कृत है वो होली मनाने के बाद आज बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत का पेपर देंगे। दोस्तों ये रही आपकी पूरी डेट शीट 10th और 12th क्लास वालों के लिए। तो आप अपने डेट शीट को अभी से नोट कर रखें और अपनी तैयारी का जो कार्यक्रम है पूरा बढ़िया तरीके से बनाएं, और आपको अभी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।